हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉग में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे और परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो भाई, मामा जी के संग षड्यंत्र रची जा रही है और यहाँ पे षड्यंत्र रचने वाली है राधिका की मम्मी। राधिका की मम्मी पुलिस को फोन करवाई है मामा जी से और यहाँ पे झूठ बोला जा रहा है कि राधिका के ऊपर हाथ उठाया समर ने, ताकि पुलिस दोनों आए और समर गुनगुन को और पीटे, साथ में समर की माँ को भी पीटे। पर ये चीज़ तो सही नहीं है राधिका की मम्मी, ये चीज़ तो आपने गलत किया है। झूठ बोलने से क्या फ़ायदा होगा? आपको राधिका को डिवोर्स नहीं दिलाना है, मत दिलाओ। डिवोर्स ऐसे भी देना कोई अच्छी बात नहीं होती है। समर जो ऐसा कर रहा है, समर को अपने उसमें लाने के लिए, समर को पनिश करने के लिए आप राधिका को डिवोर्स नहीं दिलवाओगे तो इससे समर को सबक भी मिलेगा। पर झूठ बोलना कि समर ने राधिका के ऊपर हाथ उठाया, ये कहीं का रूल नहीं है, ये कहीं का दस्तूर नहीं है। आप ये झूठ बोल के आप यहाँ पे अपनी बेटी का ही वो कर रही हैं। इससे क्या होगा, आपकी बेटी डिवोर्स तो नहीं देगी समर को, समर उसको रख तो लेगा मजबूरी में, मगर समर ऐसे ही राधिका को पसंद नहीं करता और भी राधिका को पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये झूठ के कारण कि राधिका के ऊपर उसने हाथ उठाया जबकि उसने ऐसा कुछ किया नहीं है। तो इसमें गुनगुन में और आप लोगों में कोई फ़र्क नहीं है। जब गुनगुन झूठ बोल के अपने पति को, ध्रुव को जेल भिजवा दी समर के साथ, और यहाँ पे वही चीज़ सेम आप ही कर रहे हो। राधिका का घर बसाने के लिए आप यहाँ झूठ बोल रहे हो ताकि समर को सबक मिले, समर को आके पुलिस पीटे, इसलिए आप ये झूठ बोल रहे हो। ये सही नहीं है, मुझे तो ये सही नहीं लगता है। अब मेरे फैमिली को सही लगता है कि नहीं, आप लोग मुझे बताइएगा। क्योंकि यहाँ पे राधिका में और गुनगुन में फ़र्क है। गुनगुन यहाँ पे अपने पति के संग जो की, ये चीज़ राधिका को अपने पति के संग नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो जेल नहीं भिजवा रही है, पर कम से कम मार तो खिलवा रही है। और ऐसे मार सच में अगर वो ऐसा करे तब करो, तब अलग बात होता है। पर झूठ बोल के ऐसे मार खिलाना, ये गलत बात है। तब तो समर, राधिका और गुनगुन, इन समर, गुनगुन और गुनगुन, समर की मम्मी, इन तीनों में और आप लोगों दोनों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा लोचा लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे अब झूठ बोला जा रहा है ताकि बेटी का घर बस सके। तो चलिए, जिसको मैं आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल में नए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।